सरकारी महकमे में मचा हड़कंप, पे दलाली और रिश्वतखोरी करना पड़ा महंगा। दो सरकारी कर्मी समेत चार लोग गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत, मैं दिवाकर पांडे आपके साथ। खबर मुंगेर से है, जहां जमीन का नकल निकालने में अभिलेखागार के दो सरकारी कर्मियों को दलाली और रिश्वतखोरी करना महंगा पड़ गया है। बताया जा रहा है कि मुंगेर जिलाधिकारी को जमीन से जुड़े विभाग में भ्रष्टाचार की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीएम नवीन कुमार ने जिला परिसर स्थित अभिलेखागार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दो सरकारी कर्मी समेत चार दलालों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से करीब 50,000 की नकद राशि भी बरामद की गई है। दरअसल जिलाधिकारी को कुछ दिनों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि अभिलेखागार कार्यालय में दलाल और सरकारी कर्मियों की मिलीभगत चलती है, जहां जमीन से संबंधित काम कराने को लेकर आम लोगों से मोटी रकम की वसूली की जाती है। जिसके बाद जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण के क्रम में कोतवाली थाना पुलिस को बुलाकर रिश्वतखोरी और दलाली के आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। बता दें कि ऑन स्पॉट कार्रवाई के बाद प्रशासन मामले की छानबीन कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सर ये खाना भाई को बुला लीजिए। कागजात बनाए हुए अरुण कुमार 9,000 42 और सब कागज जो कागज भी है कागज इनके पास इनके पास अरुण के पास मिला कितना कागज है जो बाहर ही है दलाल अरुण कुमार के पास कागज है इनके पास पैसा 9,000 अब इधर आ गया। बताइए
समझिए ये सब सब भुला गए, ये सब भूलते नहीं है कुछ जानते कितना है। तो उल्टा हो गया, अम्बेडकर चौक से आप कलेक्ट्रेट की तरफ पढ़ते हैं ना आगे, तो आप बैठ जाइए।